आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम रोटेटर कफ टीयर जो है उसको रिपेयर करते हैं रोटेटर कफ कैसा दिखता है हाय फ्रेंड्स माय नेम इज डॉक्टर शर्मा एंड आई एम अ स्पोर्ट्स सर्जन और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम रोटेटर कफ टीयर जो है उसको रिपेयर करते हैं रोटेटर कफ कैसा दिखता है तो आप ये देख रहे हैं ये लाइव सर्जरी की इमेज है आप देख रहे हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है मैं ये पुल कर रहा हूँ ये टूटा हुआ रोटेटर कफ है टूटा हुआ रोटेटर कफ टियर क्या होता है कि आपका जो सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस का टेंडन था जो आपको ऊपर करने में दर्द हो रहा है वो टूट के पीछे की तरफ खिंच गया है उसी को हम इसमें खींच के देख रहे हैं कि वो ठीक जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा है या साइड में चुपक गया है उसे हमें पुल बैक करना है नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हम इसमें एंकर्स डालते हैं अब एंकर्स क्या होता है दोस्तों एंकर्स में थ्रेड लगे होते हैं एंकर से एक तरीके के स्क्रू होते हैं एब्जॉर्बेबल या फाइबर टेप के बने होते हैं पहले वो ये मेटल के बने होते हैं आप देख रहे हैं इसमें कि वो शोल्डर की बोन में लगाए जाते हैं जहाँ ये टेंडन सुप्रास्पैनेट्स का या रोटेटर कफ आपका अटैच था उसको वापस से बोन जोड़ने के लिए हम एंकरस का प्रयोग करते हैं और एंकरस को बोन में घुसा देते हैं फिर कफ़ में बाइट लेते हैं मतलब स्टिच पास करते हैं उसमें और फिर उसको टाइट कर देते हैं तो वो उसके साथ में बोन से अटैच हो जाता है ये एंकर्स कई तरीके के आते हैं डबल लोडेड आते हैं पीक एंकर्स आते हैं और ये हमें ओटी के अंदर या उससे पहले डिसाइड करना होता है कि हमें किस तरीके का कंस्ट्रक्ट करना है सिंगल रो कंस्ट्रक्ट भी हो सकता है और डबल रो कंस्ट्रक्ट भी हो सकता है मतलब डबल प्रोटेक्शन वाला एक लेयर से हमने ऊपर रिपेयर कर दिया एक नीचे कर दिया आप यहाँ देख रहे हैं ये एक डबल रो कंस्ट्रक्ट है मतलब ऊपर भी बट्रेस किया गया है उसके बाद एक और प्रोटेक्शन के लिए डबल रो किया गया है इसमें पावर बहुत ज़्यादा मिलती है पेशेंट को और इसमें ये एंकर्स के वापस आने का रिस्क मिनिमम रहता है अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है या रोटेटर कफ या शोल्डर में कोई इंजरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पर एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू थैंक यू सो मच